एक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय मैं अपने चैनल पे बहुत ज्यादा कुछ आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रही हूँ, इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफी चाहूंगी। रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक का क्योंकि मैंने बीड़ा उठाया था, तो मैं इसको जरूर पूरा करूंगी और इसमें बहुत कुछ बचा भी नहीं है, जल्द ही पुस्तक समाप्त हो जाएगी। आज हम बात करेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, देखेंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा है, उसको समझेंगे। इससे हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कुछ जो उनका लिखने का तरीका है उसको समझेंगे, ताकि परीक्षाओं में हमें उत्तर देने में आसानी रहे। लेकिन उस सबसे पहले मैं उन अपने व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो मेरे मतलब मैं इतना रेगुलर नहीं हूँ, फिर भी अपना साथ मेरे लिए बनाए रखते हैं, इतना सहयोग करते हैं, कमेंट्स करके मुझे प्रोत्साहित करते हैं, और मैं कुछ दिनों में ही सही थोड़ा बहुत समय आपके लिए निकालकर आपके समक्ष उपस्थित हो जाती हूँ। हृदय से आप सभी का धन्यवाद। चलिए बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। इस द्वितीय उत्थान के आरंभ काल में हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को पद्य रक्षा की एक प्रणाली प्रवर्तक के रूप में पाते। शुक्ल जी कह रहे हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं द्वितीय उत्थान की, तो द्वितीय उत्थान की शुरुआत में यदि हम देखें तो द्विवेदी जी हमें किस रूप में नजर आते हैं, पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक, प्रवर्तक मतलब आप जन्मदाता कह सकते हैं, प्रवर्तक के रूप में हमें वो दिखाई देते हैं। गद्य पर जो शुभ प्रभाव द्विवेदी जी का पड़ा उसका उल्लेख गद्य के प्रकरण में हो चुका। शुक्ल जी कह रहे हैं द्विवेदी जी का जो गद्य पर प्रभाव पड़ा, जो अच्छा प्रभाव पड़ा, क्योंकि उन्होंने भाषा को परिष्कृत किया था, आप सभी जानते होंगे, तो गद्य पर जो उनका शुभ प्रभाव पड़ा ये हमने गद्य प्रकरण में देख लिया। अभी हम बात करेंगे पद्य रचना। खड़ी बोली के पद्य विधान भी आपका पूरा पूरा असर गद्य पर तो पड़ा ही, खड़ी बोली के पद्य विधान पर भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का पूरा पूरा असर पड़ा। पहली बात तो यह हुई कि उनके कारण भाषा में बहुत कुछ सफाई आई, भाषा में बहुत कुछ सफाई आई, जो इधर उधर के शब्द थे उनका प्रयोग बंद हुआ, शुद्धता आई। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी और बहुत से लोग ब्रज और अवधि आदि का मेल भी कर देते थे। क्या होता था, जब कवि कविताएं कर रहे थे तो खड़ी बोली की शुरुआत ही थी वहां, तो भाषा की शिथिलता और अव्यवस्थित रूप दिखाई देता था। और क्योंकि इसके पहले ब्रज और अवधि में कविताएं हो रही थी, तो इसके शब्द भी खड़ी बोली पद्य में प्रयोग कर दिए जाते थे। सरस्वती के संपादन काल, क्योंकि उन्होंने सरस्वती का संपादन किया, तो उनके संपादन काल में उनकी प्रेरणा से बहुत से नए लोग खड़ी बोली में कविता करने लगे। द्विवेदी जी की प्रेरणा से बहुत सारे नए लोग खड़ी बोली में कविता करने लगे। उनकी भेजी हुई कविताओं की भाषा अति दुरुस्त करके वे सरस्वती में दे दिया करते थे। मतलब जब भी कोई कवि अपनी कविता भेजता था सरस्वती में छपने के लिए, वो क्या करते थे, उसकी भाषा को अपने से दुरुस्त करते थे, ठीक करते थे और सरस्वती में छपने के लिए दे दिया करते थे। इस प्रकार के लगातार संशोधन से धीरे धीरे बहुत से कवियों की भाषा साफ हो गई, उन्हीं नमूनों पर और लोगों ने भी अपने सुधार किया। जब उन्होंने संशोधन किया तो उसको देखकर समझकर धीरे धीरे बहुत से कवियों की भाषा तो स्वयं साफ हो गई और फिर उन्हीं नमूनों का और कवियों ने प्रयोग किया, वो मतलब आदर्श बनाकर उसी के अनुसार कविता की। यह तो हुई भाषा के परिष्कार की, अब उन्होंने पद्य रचना की जो प्रणाली स्थिर की उसके संबंध में भी कुछ विचार कर लेना चाहिए। द्विवेदी जी कुछ दिनों तक बंबई की ओर रहे थे, जहां मराठी के साहित्य से उनका परिचय हुआ था। उनका साहित्य का प्रभाव
उन पर बहुत पड़ा था। मराठी कविता में अधिकतर संस्कृत वृत्तों का व्यवहार होता था। पद विन्यास भी प्रायः गद्य का सा रहता था। बंग भाषा की सी कोमल कांत पदावली उसमें नहीं पाई जाती। इसी मराठी के नमूने पर पुद्वेदी जी ने हिंदी में पद्य रचना शुरू की। अब यहाँ पर ये बात आपको ध्यान देनी होगी कि द्विवेदी जी ने मराठी कविताओं के आधार पर हिंदी में पद्य रचना शुरू की, इसीलिए उसमें बंग भाषा की सी कोमल कांत पदावली नहीं पाई जाती थी। उनकी उनके जो पद्य थे आपने देखे होंगे, उसमें प्रायः कोमल कांत पदावलियों का अभाव रहता था, एकदम सीधी सीधी स्ट्रेट लैंग्वेज उनकी रहती थी। ये उन्होंने कहां से इसको लिया था? मराठी कविता से। इसी मराठी के नमूने पर द्विवेदी जी ने हिंदी में पद्य रचना शुरू की। पहले तो उन्होंने ब्रजभाषा का ही आलम्बन किया। नागरी प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित नागरी तेरी यह दशा और रघुवंश का कुछ आधार लेकर रचित अयोध्या का विलाप नाम की उनकी कविताएं संस्कृत वृत्तों में पर ब्रज भाषा में ही लिखी गई। रघुवंश का आधार लेकर जो उन्होंने अयोध्या का विलाप नामक कविता लिखी थी वो संस्कृत वृत्तों पर जरूर लिखी थी, लेकिन उसकी भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। देखिए, श्री युक्त नागरी निहारी दशा तिहारी, ये जो पंक्ति है परीक्षा में अक्सर पूछ ली जाती है कि किसके द्वारा रचित है। ध्यान रखिए, द्विवेदी जी की पंक्तियां हैं, उनकी वैसे तो भाषा अलग से ही समझ आती है। श्री युक्त नागरी निहारी दशा तिहारी, होवे विषाद मनमाही अतीव भारी, प्राकार जासु नभ मंडल के में सामने, प्राचीर जास नथ लोक पहुंच सका, जाकी समस्त सुनी संपत्ति की कहानी, नीचे निवाय सिर देवपुरी ले जाने, है ना। लेकिन देखिए यहाँ पर जो अभाषा है वो ब्रज। इस आधुनिक काल में ब्रज भाषा पद्य के लिए संस्कृत वृत्तों का व्यवहार पहले पहल स्वर्गीय पंडित सरजू प्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य में अपने पद्यबद्ध भाषा किया, जिसका प्रारंभिक अंश भारतेंदु की काव्य वचन सुधा में प्रकाशित। आधुनिक काल में जो ब्रज भाषा के पद्य के लिए संस्कृत वृत्त का व्यवहार हुआ, मतलब संस्कृत के वृत्त और भाषा जो ब्रज भाषा के पद्य, ये सबसे पहले किसने शुरू किए? पंडित सरजू प्रसाद मिश्र जी। इन्होंने क्या किया था, रघुवंश महाकाव्य में जब उन्होंने रघुवंश महाकाव्य का पद्यबद्ध अनुवाद किया, तब उसमें क्या उन्होंने क्या लिया था? ब्रज भाषा के पद्य लिए थे और संस्कृत के व्रत लिए थे, और जिसका प्रारंभिक अंश हमें कहां देखने को मिला? भारतेंदु जी की कवि वचन सुधा। ठीक है, पूरा अनुवाद बहुत दिनों पीछे, मतलब बहुत दिनों बाद संवत 1968 में पुस्तक आकार में छपा। द्विवेदी जी ने आगे चलकर ब्रज भाषा एकदम छोड़ दी और खड़ी बोली में ही काव्य रचना करने लगी। मराठी का संस्कार तो था ही, पीछे जान पड़ता है उनके मन में वर्षवत का वह पुराना सिद्धांत भी कुछ जम गया था कि गद्य और पद्य का विन्यास एक ही प्रकार का होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि वर्षवत का यह सिद्धांत है कि गद्य और पद्य का पद्य विन्यास एक सा ही होना चाहिए। द्विवेदी जी ने ये सिद्धांत वर्षवत से लिया और इसको, मतलब इसका अनुसरण, मराठी का संस्कार था उनमें, द्विवेदी जी ने मराठी का संस्कार था, ब्रज भाषा में उन्होंने पहले रचनाएं कुछ की लेकिन बाद में उन्होंने ब्रज भाषा को एकदम त्याग कर खड़ी बोली में ही रचनाएं की। इसके अलावा वो एक सिद्धांत का भी अनुसरण करते थे कि गद्य और पद्य का पद्य एक ही प्रकार का होना चाहिए। पर यह बात, पर यह प्रसिद्ध बात है कि वर्षवत का यह सिद्धांत असंगत सिद्ध हुआ। शुक्ल जी कह रहे हैं उन्होंने
स्वीकार तो जरूर किया था उस सिद्धांत को, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये बहुत फेमस चीज है, बहुत प्रसिद्ध बात है कि वर्ड्सवर्थ का ये सिद्धांत असंगत सिद्ध हुआ था और वह आप में ही अपनी उत्कृष्ट कविताओं में उसका पालन न कर सका था, यानी सिद्धांत बनाने वाला भी अपने सिद्धांत का पूरी तरह से पालन नहीं कर पाया था। दीदी जी ने भी बराबर उक्त सिद्धांत के अनुकूल रचनाएं नहीं की हैं, अपनी कविताओं में बीच बीच में सानुप्रास कोमल पदावली का व्यवहार किया। वर्ड्सवर्थ कह रहे थे कि गद्य और पद का पद विन्यास एक सा ही होना चाहिए, लेकिन ना वो पूरी तरह से इस बात का अनुकरण कर सके और ना ही इस बात को द्विवेदी जी पूरी तरह से पालन कर पाए। जैसे सुरम्य रूप रस राशि रंजिते विचित्र वर्णा कहां गई, कवींद्र कांते कविता अहो कहां मंगल्य मूल में बारिक बारी पृष्ठ। पर उनका जोर बराबर इस बात पर रहता था कि कविता बोलचाल की भाषा में ही होनी चाहिए। बोलचाल से उनका मतलब ठेठ या हिंदुस्तानी का नहीं रहता था, गद्य का व्यवहारिक भाषा रहता था। परिणाम यह हुआ कि उनकी भाषा बहुत अधिक गद्यवत हो गई। कैसी होगी? बहुत अधिक गद्यवत हो गई। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, भाषा से विचार अलग नहीं रह सकते। उनकी अधिकतर कविताएं इतिवृत्तात्मक सिद्ध हैं, उनमें वह लाक्षणिकता, वह चित्रमयी भावना और वक्तता बहुत कम पाई जाती है जो रस संचार की गति को तीव्र और मन को आकर्षित करती है। उनमें क्या क्या नहीं पाया जाता है द्विवेदी जी की कविताओं में? लाक्षणिकता, चित्रमयी भावना और वक्तता बहुत कम पाई जाती है। तो इसे क्या होता है, रस संचार की गति को तीव्र नहीं कर पाती उनकी कविताएं। मन भाई, जब रस का संचार मन में होगा तभी आपको कविता अधिक आकर्षित करेगी। तो इसकी क्षमता द्विवेदी जी की कविताओं में कम। यथा सर्वथा तथा ही वैसे शब्दों का प्रयोग ने उनकी भाषा को और अधिक गद्य स्वरूप दे दिया है, जबकि कविताओं में इस तरह की भाषा का प्रयोग कम ही होना चाहिए। यद्यपि उन्होंने संस्कृत वृत्तों का व्यवहार अधिक किया है, पर हिंदी के कुछ चलते छंदों में भी उन्होंने बहुत सी कविताएं, जैसे विधि विडंबना है ना, ऐसी कविताएं भी उन्होंने रची जिसमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी कम है। अपना कुमार संभव उन्होंने इसी ढंग पर रचा है। कुमार संभव का यह अनुवाद बहुत ही उत्तम हुआ है, इसमें मूल के भाव बड़ी सफाई से आए। संस्कृत के अनुवादों में मूल का भाव लाने का प्रयत्नों में भाषा में प्राय जटिलता आ जाती है, पर इसमें ये बात जरा भी नहीं है। ऐसा साफ सुथरा दूसरा अनुवाद जो मैंने देखा है वो है केशव प्रसाद मसूरी का मेघ। किसको बहुत अच्छा अनुवाद मान रहे हैं सुखमी जी? पहले तो कुमार संभव द्विवेदी जी के को, और दूसरा इतना ही अच्छा अगर मैंने कोई और देखा तो वो देखा मैंने मेघदूत का अनुवाद किया, किसने था? केशव प्रसाद मसूरी। द्विवेदी जी की रचनाओं के दो नमूने देखकर हम आगे चलिए देखते हैं द्विवेदी जी की रचनाओं के दो नमूने। आरोग्य युक्त बल युक्त पुरस्कार, ऐसा जहां युवक न एक दृष्ट था, सारी प्रजा निपड़ दीन दुखी जहां है, कर्तव्य क्या कुछ भी तुझको वहां है। इंसान इंसान के इच्छुक किसने करके तप अतिशय भारी, की उत्पन्न असूया तुझने, मुझसे कहो कथा सारी, मेरा ये अनिवार्य सरासन पांच कुसुम सायक धारी, अभी बना ले वे तत्क्षण ही उनको निज आज्ञाकारी।
द्विवेदी जी की कविताओं का संग्रह काव्य मंजूषा नाम की पुस्तक में हुआ है। इसमें हुआ है काव्य मंजूषा द्विवेदी जी की कविताओं का संग्रह। उनकी कविताओं के दूसरे संग्रह का नाम सुमन, ठीक है। पहला काव्य मंजूषा, दूसरा सुमन। द्विवेदी जी के प्रभाव और प्रोत्साहन से हिंदी के कई अच्छे अच्छे कवि निकले, इसमें जिनमें बाबू मैथिली शरण गुप्त, पंडित रामचरित उपाध्याय और पंडित लोचन प्रसाद पांडे मुख्य। तो चलिए बात कर लेते हैं बाबू मैथिली शरण गुप्त जी की। सरस्वती का संपादन द्विवेदी जी के हाथ में आने के प्राय 3 वर्ष बाद संवत 1963 बाबू मैथिली शरण गुप्त जी की खड़ी बोली की कविताएं उप पत्रिका में निकलने लगी। जब द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला, उसके 3 वर्ष बाद ही मैथिली शरण गुप्त जी की कविताएं उनकी पत्रिका में निकलने लगी और उनके संपादक काल तक बराबर निकलती। संवत 1966 में उनका रंग में भरंग नामक एक छोटा सा प्रबंध काव्य प्रकाशित हुआ, जिसकी रचना चित्तौड़ और बूंदी के राजनाम संबंध रखने की राजनीति खान की एक कथा। ध्यान रखिएगा, रंग में भंग प्रबंध काव्य जो लिखा गया है उसपे लिखा गया है, चित्तौड़ और बूंदी के राजघरानों से संबंध है उसका, और उसी की राजनीति खान की एक कथा को लेकर उसकी रचना की गई। जब तक गुप्त जी का ध्यान प्रबंध काव्यों की ओर बराबर रहा और फिर बीच बीच में छोटे या बड़े प्रबंध काव्य लिखते रहे। गुप्त जी की ओर पहले पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली उनकी भारत भारती थी। इसमें मुसद्दस थाली के ढंग भारतीयों या हिंदुओं की कूट और प्रधान भाषाओं में विषमता दिखाई गई। भविष्य निरूपण का प्रयत्न नहीं किया गया। अब आपको यहाँ से भारत भारती की एक विशेषता पता चल रही है, इसको ध्यान में रखिए। चाहिए तो आप कहीं पर एक कॉपी बना के जो भी आपको लगता है कि ये प्रश्न, ये पंक्ति नोट्स क्या होते हैं, नोट्स पूरी बुक के नहीं बनाए जाते। नोट्स इसलिए सबके अलग अलग होते हैं, इसलिए सबके अलग अलग होने चाहिए क्योंकि आप देखिए आपको क्या है, जो आपको पता है वो आपने इतना पढ़ लिया है कि वो अब आपकी जानकारी में आ गया है। नोट्स का मतलब है जो आपको रिविजन, तो ऐसी पंक्तियां जो आपको लगता है कि ये आपके दिमाग से कर सकते हैं, तो आप एक जगह लिखते चले जाइए और कई बार रिपीट कर लीजिए तो आपका सिलेबस अच्छे से तैयार हो जाता है। तो ये बात लिखी जा सकती है या ये बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर भारत भारती में क्या दिखाया है उन्होंने, मुसद्दस हाली के ढंग पर भारतीयों या हिंदुओं की भूत और वर्तमान दशाओं की विषमता दिखाई है, भविष्य निरूपण का प्रयत्न नहीं किया। यद्यपि काव्य की विशिष्ट पदावली, रसात्मक चित्रण, वाद्य वैचित्र इत्यादि का विधान भी इसमें नहीं था, पर बीच में मार्मिक तत्वों का समावेश बहुत साफ और सीधी सादी भाषा से ये पुस्तक स्वदेश की ममता से पूर्ण नवयुवकों को बहुत प्रिय हुई। प्रस्तुत विषय को काव्य का पूर्ण स्वरूप न दे सकने पर भी उसने हिंदी कविता के लिए खड़ी बोली की उपयुक्तता अच्छी तरह सिद्ध कर, मतलब इसमें काव्य का पूर्ण रूप तो गुप्त जी नहीं दे पाए थे, लेकिन हिंदी कविता के लिए खड़ी बोली उपयुक्त है ये जरूर सिद्ध हो गया था इस पुस्तक के द्वारा। इसी ढंग पर बहुत दिनों बाद इन्होंने पीछे, मतलब बाद है, सुखी जी ने जहाँ भी पीछे शब्द का प्रयोग किया है आप समझ लीजिए, पीछे इन्होंने हिंदू लिखा, केसों की कथा, स्वर्ग सहोदर इत्यादि बहुत सी पुतकल रचनाएं इनकी सरस्वती में निकली थी जो मंगल घट में संग्रहित है। ये चीज आपको अन्य पुस्तकों में कम देखने को मिलेगी, केसों की कथा, स्वर्ग सहोदर किसकी पुतकल रचनाएं हैं, गुप्त जी की, और सरस्वती में प्रकाशित थी और संग्रहित किसमें है, मंगल। कम पुस्तकों में आपको देखने को मिलेगा, आप इसको लिख सकते हैं। प्रबंध काव्यों की परंपरा इन्होंने बराबर जारी रखी, अब तक ये 9-10 छोटे बड़े प्रबंध काव्य लिख चुके हैं, जिनके नाम है रंग में भंग, चैत्रध्वज, विकट भट्ट, प्लासी का युद्ध, गुरुकुल, किसान, पंचवटी, सिद्धराज,
साकेत और यशोधरा। अंतिम दो बड़े काव्य हैं विकट भट्ट में जोधपुर के एक राजपूत सरदार की तीन पीढ़ी तक चलने वाली बात की एक की अद्भुत पराक्रमपूर्ण कथा। तीन पीढ़ियों तक एक बात की टेक चलती रही, इसी विषय को लेकर इन्होंने विकट भट्ट लिखा है। गुरुकुल में सिख गुरुओं के महत्व का वर्णन है, गुरुकुल में आप इसको लिंक करके याद रख सकते हैं। छोटे काव्यों में जयद्रथ वध और पंचवध का स्मरण अधिकतर लोगों को है। गुप्त जी के छोटे काव्यों में प्रसंग योजना भी प्रभावशाली है और भाषा भी बहुत साफ सुथरी। देखिए शुक्ल जी जिसकी तारीफ कर रहे हैं वो वास्तव में प्रशंसा योग्य होगा ही, और उनके शब्द क्या निकले, उनके क्या भाव है किसी लेखक के बारे में, इस पुस्तक को आपको पढ़ना है तो ये सारा आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। गुप्त जी के लिए ज्यादातर देखिए इन्होंने लिखा है साफ सुथरी भाषा इनकी, और प्रयाग इनकी जो प्रसंग योजना है वो भी प्रभावशाली। बैतालिक की रचना उस समय हुई, गुप्त जी की प्रवृत्ति खड़ी बोली में गीत काव्य प्रस्तुत करने की ओर भी हो गई। बैतालिक कब उन्होंने लिखा, जब गुप्त जी ने सोचा कि खड़ी बोली में गीत काव्य प्रस्तुत किया जाए। यद्यपि गुप्त जी जगत और जीवन के अव्यक्त क्षेत्र में ही महत्व और सौंदर्य का दर्शन करने वाले तथा अपने नाम को लोक के बीच अधिष्ठित देखने वाले, पर तृतीय उत्पाद में छायावाद नाम से रहस्यात्मक कविताओं का कलरव सुन उन्होंने भी कुछ की रहस्यवादियों के स्वर में गाए जो झनकार में सकते। देखिए गुप्त जी कैसे थे, अपने राम को लोक के बीच में अधिष्ठित करने वाले, सशरीर लोक में अधिष्ठित करने वाले कवि थे, लेकिन जब तृतीय स्थान आया, छायावाद का प्रारंभ हुआ, रहस्यात्मक कविताएं लिखनी शुरू की गई, तो इस कलरव को सुनकर उन्होंने भी कुछ रहस्यवादी गीत लिखे और वो झनकार में संग्रहित। रहस्यवादी गीत है झनकार में संग्रहित, ठीक है। पर असीम के प्रति उत्कंठा और लंबी चौड़ी दीपना का विचित्र प्रदर्शन गुप्त जी की अंत प्रवृत्त प्रेरित प्रवृत्ति के अंतर्गत, मतलब जो आप समझ रहे हैं छायावाद आप जानते हैं, रहस्यात्मक कविताएं भी आप समझते हैं, तो असीम के पर जिसका कोई सीमा नहीं है, ऐसे रहस्य के प्रति उनकी उत्कंठा और लंबी चौड़ी वेदना जिसको उन्होंने देखा भी ना हो, ऐसा विचित्र प्रदर्शन गुप्त जी के लिए थोड़ा सा मुश्किल था, उनकी प्रवृत्ति के अनुरूप ये नहीं। काव्य का एक मार्ग चलता देख के उधर भी जा पड़े, मार्ग चल रहा था तो ये चले गए, लेकिन रहस्यवाद वास्तव में शुक्ल जी कह रहे हैं कि गुप्त जी की प्रवृत्ति के अनुसार। साकेत और यशोधरा इनके दो बड़े प्रबंध, दोनों में उनके काव्यत्व का तो पूरा विकास दिखाई पड़ता है पर प्रबंधत्व की कमी है। साकेत और यशोधरा में शुक्ल जी कह रहे काव्यत्व तो पूरा पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रबंध काव्य में जिस प्रबंधत्व की वो होती है, जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, उसकी थोड़ी सी कमी। बात यह है कि इनकी रचना उस समय हुई जब गुप्त जी की प्रवृत्ति गीत काव्य या नए ढंग के प्रगीत यानी प्रगीत मुक्तकों यानी लिरिक्स की ओर हो चुकी थी। साकेत की रचना तो मुख्यतः इस उद्देश्य से हुई थी कि उर्मिला काव्य में उपेक्षित ना रह जाए, या उन्होंने प्रबंध की तरफ से उनका कहीं ना कहीं मन अलग हो चला था, अब उनका मन था गीत काव्य लिखने का, लेकिन साकेत की रचना उन्होंने एक उद्देश्य को लेकर की गई की थी कि उर्मिला, अक्सर क्या होता था रामकथा में उर्मिला की उपेक्षा की जाती थी, तो सिर्फ इस उद्देश्य को लेकर लिखा कि उर्मिला काव्य में उपेक्षित न रह जाए। पूरे दो सर्ग नवा और दसवां उनके वियोग में खप, दो सर्गों में तो उन्होंने उर्मिला के वियोग का ही वर्णन किया है। इस वियोग वर्णन के भीतर कवि पुरानी पद्धति के अलंकार की चमत्कार तथा आजकल की नई रंगत की वेदना लक्षणिक वैचित्र वाले गीत दोनों रखे, नए और पुराने। काव्य का नाम साकेत रखा गया है जिसका तात्पर्य है कि इसमें अयोध्या में होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों का वर्णन प्रधान, साकेत अयोध्या, तो इसमें नाम इसीलिए साकेत रखा गया है क्योंकि इसमें
अयोध्या में होने वाली जो घटनाएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनका वर्णन प्रधान राम के अभिषेक की तैयारी से लेकर चित्रकूट में राम भरत मिलन तक की कथा 8 सर्गों तक चलती, 8 सर्गों तक। उसके उपरांत 2 सर्ग तक उर्मिला की योगावस्था की नाना अंतर प्रतियों का विस्तार, जिसके बीच उनकी अत्यंत उच्च भावों की अभिव्यंजन। सूरदास जी की गोपियां वियोग में कहती थी कि ये तो आपने पढ़ा होगा, सूरदास जी तो सभी ने पढ़े, मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। पर उर्मिला क्या कह रही सुनिए, रह चिर दिन तू हरी भरी, बढ़ सुख से बढ़ सस्ती सुंदरी। जहां गोपियां कह रही थी कि मधुबन तुम कैसे हरे भरे हो कृष्ण के वियोग में, वहीं उर्मिला कह रही है कि जो सृष्टि सुंदरी हो तुम दिन हरी भरी रहो और सुखपूर्वक दिन प्रतिदिन वृद्धि करो। प्रेम के शुभ प्रभाव से उर्मिला के हृदय की उदारता का और भी प्रसार हो गया है। वियोग की दशा में प्रिय लक्ष्मण के गौरव की भावना उसे संभाले हुए है। उन्माद की अवस्था में जब लक्ष्मण उसके सामने खड़े जान पड़ते हैं, तब उस भावना को गहरा आघात पहुंचता है और वह व्याकुल होकर कहती है, प्रभु नहीं फिरे क्या तुम ही फिरे, हम गिरे अहो तो गिरे गिरे, है ना। दंडकारण्य से लेकर लंका तक की घटनाएं शत्रुघ्न के मुंह से मांडवी और भरत के सामने पूरी रसात्मकता के साथ वर्णन कराई गई। रामायण के भिन्न भिन्न पात्रों की परंपरा से प्रतिष्ठित स्वरूपों को विकृत न करके उनके भीतर ही आधुनिक आंदोलनों की भावनाएं, जैसे किसान श्रमजीवियों के साथ सहानुभूति, युद्ध प्रथा की मीमांसा, राजव्यवस्था में प्रजा का अधिकार और सत्याग्रह, मनुष्यत्व कौशल के साथ झलकाई गई। इस पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र के परंपरा से प्रतिष्ठित स्वरूप को मनमाने ढंग पर विकृत करना हम पर भारी करना हम भारी अनाड़ी पर समझते। अब यहाँ सुखदेव जी क्या कह रहे हैं, किसी पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र की परंपरा के प्रतिष्ठित रूप को यदि मनमाने ढंग से विकृत करना विकृत कर दिया जाए तो वास्तव में उसका रस धीरे धीरे लोगों के मन से समाप्त होने लगेगा, वो चीज नहीं रह जाएगी, तो श्रद्धा कम होने लगेगी, तो इसको हम अनाड़ी पर समझ। शुक्ल जी ये कह रहे हैं, यशोधरा की रचना नाटकीय ढंग पर है, उसमें भगवान बुद्ध के चरित्र से संबंध रखने वाले पात्रों के उच्च और सुंदर भावों की व्यंजना और परस्पर कथोपकथन है, इसमें कहीं कहीं तथ्य भी है। भाव व्यंजना प्राय गीतों में, द्वापर में यशोधरा, राधा, नारद, कंस, कुब्जा इतिहास कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की मनोवृत्तियों का अलग अलग मार्मिक चित्र है। द्वापर में क्या क्या है ध्यान रखिएगा, द्वापर में अयोध्या यशोधरा, राधा, नारद, कंस, कुब्जा इत्यादि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की जो मनोवृत्तियां उनका अलग अलग मार्मिक चित्रण किया गया। नारद और कंस की मनोवृत्तियों के स्वरूप को बहुत ही विशद और समन्वित रूप में सामने रखा। गुप्त जी ने अनग, तिलोत्तमा, चंद्रहास नामक 3 और छोटे पद्य रूपक भी लिखे हैं। अनग में कवि ने लोक व्यवस्था के संबंध में उठी हुई आधुनिक भावनाओं और विचारों का अवस्थान प्राचीन काल के भीतर ले जाकर वर्तमान किसान आंदोलन का रंग कुछ पढ़ने से लग रहा है कि गुप्त जी ने पुराने नए को वो काफी मिलाने की कोशिश की है। गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है काल अनुसरण की क्षमता, अर्थात स्वरों पर बदलती हुई भावनाओं काव्य प्रणाली ग्रहण करते इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि ये निसंदेह कहे जा सकते। प्रतिनिधि कवि किसे कहा जा रहा है, गुप्त जी किसे कह रहे हैं। भारतेंदु के समय से स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप में चली आ रही थी उसका विकास भारत भारती में मिलता है।
इधर के राजनीतिक आंदोलनों का जो रूप धारण किया उसका पूरा आभास पिछली रचनाओं में मिलता है। सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्यवाद, विश्व प्रेम, किसानों और श्रमजीवियों के प्रति प्रेम और सम्मान सब की झलक उनकी रचनाओं में आते हैं। गुप्त जी की रचनाओं के भीतर तीन अवस्थाएं लक्षित होती है। प्रथम अवस्था भाषा की सफाई की है, जिसमें खड़ी बोली पद्धतियों की मिश्रण बंधा रचना हमारे सामने आती है। सरस्वती में प्रकाशित अधिकांश कविताएं तथा भारतभारती इसी अवस्था की रचनाएं उदाहरण। ये रचनाएं काव्य प्रेमियों को गद्यवत रूपी और इसी दत्तात्मक लगती। इनमें सरस और कोमल पदावली की कमी भी खटकती थी। सरस्वती के लिए लिखी गई थी द्विवेदी जी के उसमें, तो ये कमी होना स्वाभाविक भी थी। बात यह है कि यह खड़ी बोली के परिमार्जन का काल। इसके अनंतर गुप्त जी ने बंग भाषा की कविताओं का अनुशीलन तथा मधुसूदन दत्त रचित रजांगना, मेघनाथ वध आदि का अनुवाद भी किया। देखिए अभी आपको बताया गया था कि जो बंग भाषा की विशेषता थी उसकी वो कोमल कांत पदावली थी। बाद में इन्होंने क्या किया, बंग भाषाओं के जो कविताएं उनका अनुशीलन किया, मधुसूदन दत्त के द्वारा जो रचित ब्रजांगना, मेघनाथ वध आदि का अनुवाद किया। इससे इनकी पदावली में कुछ सरसता और कोमलता आई। यद्यपि कुछ ऊबड़ खाबड़ और अव्यवहारित संस्कृत शब्दों की विखोबरी कहीं कहीं विशेषता छोटे छोटे चंदों के चरणार अब भी लगती है। भारत भारती और वैतालिक के बीच की इनकी रचनाएं इस दूसरी अवस्था के उदाहरण में ली जा सकती। तीन चरण बताए, तीन अवस्थाएं। पहली तो मतलब द्विवेदी जी की तरह जिनमें कोमल कांत पदावलियों को पाया अभाव रहा। दूसरे चरण में इन्होंने बंग भाषा की कविताओं का अनुशीलन किया, तो उसमें बहुत कुछ सरसता और कोमलता आ गई, लेकिन संस्कृत शब्दों के कुछ खोखरे गहरे फिर भी लगती थी। ठीक है, और जो भारत भारती और वैतालिक है ये दूसरे अवस्था के उदाहरणों के रूप में देखी जा सकती है। इसके उपरांत छायावाद कही जाने वाली कविताओं का चलन होता है और गुप्त जी का कुछ छुपा प्रगीत मुख्य को यानी लिरिक्स और अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र की ओर भी हो जाता है। इस झुकाव का आभास हम कहां देख सकते हैं, साकेत और यशोधरा, और यह इनकी तीसरी अवस्था। ध्यान रखिएगा तीन अवस्थाओं का वर्णन किया है शुक्ल जी ने। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मन में झूमने वाले कवि नहीं है। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला प्राचीन के प्रति अत्यंत पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें। बहुत बड़ी बात कही है, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ी बात कही है शुक्ल जी ने, ये पंक्ति आपको ध्यान रखनी चाहिए। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह इनमें दोनों है। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जा रहे हैं, चलिए जल्दी से इनको देख के हम वीडियो समाप्त करते हैं, थोड़ा लंबा हो रहा है। क्षत्रिय सुनो अब कोई क्षत्रिय सुनो अब तो कोई यश की काली माँ को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, अब धन विदेशी हर रहे हैं, पार क्या है क्लेश का। भारत भारती में देखिए, थे हो और रहोगे जब तुम, थी हूँ और सदैव रहूंगी, कल निर्मल जल की धारा सी, आज यहाँ कल वहां बहूंगी। भारत भारती की ये पंक्तियां हैं, ध्यान रखिएगा। थे हो और रहोगे जब तुम, थी हूँ और सदैव रहूं, कल निर्मल जल की धारा सी, आज यहाँ कल वहां बहूंगी। डूबी बैठी हूँ सजकर मैं, ले चल शीघ्र मिलूं प्रियतम से, धाम धारा धन सब तजकर। अच्छी आंख मिचौली खेली, बार बार तुम छिपो और मैं खोजू तुम्हें अकेली। निकल रही है उर से आह, ताक रहे सब तेरी राह, चातक खड़ा चोंच खोले है, संपत खोले सीप खोले। मैं अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी।
है ना। चलिए झनकार की भी देख लेते हैं कुछ उदाहरण। पहले आंखों में थे मानस में कूद मग्न प्रिय, अब छींटे वही उड़े थे बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। समझिएगा, पहले आंखों में थे मानस में कूद मग्न प्रिय अब, पहले आंखों में थे मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, छींटे वही उड़े थे बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। सखी नील नभस्सर से उतरा ये हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला उनको चरता चरता। अपने हिमबिंदु बचे तब भी चलता उनको धरता धरता, गड़ जाए न कंटक भूतल के कर डार रहा डरता डरता। आकाश जाल जब सब ओर तना, रवि तंतुमय है तंतुवाय है आज बना, करता है पद प्रहार वही मक्खी सी बिन्ना रही नहीं। घटना हो चाहे घटा उठ नीचे से ले, आती है ऊपर सखी छाकर चंद्रादित्य। इंद्र वधु आने लगी क्यों निज स्वर्ग बिहाए, नन्ही दूबों का हृदय निकल पड़ा यह आए। इस उत्पल सी काय में हाय उपल से प्राण, रहने देवक ध्यान ये पावे ये रक्त। और उदाहरण देखते हैं। वेदने तू भी भली बनी, वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझ में अपनी चाह दी। अरे वयो वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक थनी, अपने को प्रिय को जगती को देखो खींच कर। हाँ मेरे कुंजों के कुंजन रूप निराश होकर सोया वह चंद्रोदय जिसको उड़ा रहा है धावल वसंत सा धोया। सखी निरख नदी की धारा ढलमल ढलमल चंचल अंचल झलमल झलमल तारा। नेट में ये पंक्ति पूछी गई थी। निर्मल जल के अंतस्थल भर के उछल उछल कर छल छल करके थल थल तर के कल कल धार की विरक्ति बिखराती है पारा। ओ मेरे मानस के हाथ खिल सहस दल सरस सुभाष, सजनी रोता है मेरा गांव प्रिय तक नहीं पहुंच पाती किसी कोई तान। बस इसी प्रिय कानन कुंज मिलन भाषण के स्मृति पुंज में, अब छोड़ मुझको तुम दीजिए हसन रोदन से ना। एक इसकी पंक्तियां हैं साके। अगले वीडियो में हम साके रामचंद्र उपाध्याय जी की बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, धैर्यपूर्वक सुन लीजिएगा, सुनेंगे तो ये औषधि की भांति आपको फायदा ही करेगी। आप सभी का साथ बनाए रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।